बिग मेन्यू. हाँ, आप मेरे लिए एक एग्स बेनेडिक्ट विद टर्की ऑन द साइड और एक वर्जिन पीना कोलाडा ला दीजिए. श्योर मैडम. फॉर यू चीज बर्गर विद फ्राइज. और बर्गर कैसा? मीडियम. मीडियम वेल. वेल डन. बर्गर फॉर ब्रंच एंड वो भी वेल डन. जी धन्याल तो कभी भी कोई चीज़ वेल डन ना खाए. मुजीब तो कहते हैं कि अगर गोश्त को ज़्यादा पका देना तो गोश्त तोहीन हो जाती है. एनीवे तुम्हारा ब्रंच तुम्हारी मर्जी. शहाना. ओ बंटी. हाय हाय. यूएस से कब वापस आई? पिछले हफ्ते आई. हाउ आर यू? आई एम वेल साइमा डार्लिंग. यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू आंटी. यू आर टू काइंड. दानियाल बता रहा था कि तुम्हारी पहली बुक पब्लिश हो गई है. मुबारक. थैंक यू. मैं आज ही आपको साइंड कॉपी भिजवाती हूँ. Not one copy, two copies, huh? One for me and one for Danyal. You know he loves to read. Of course. Anyways, हम चलते हैं. But do call me. And Nazim was also asking कि हम black and white fundraiser पे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे. Of course, ये भी कोई पूछने वाली बात है. सही है ना? See you. Take care. Take care. Bye, darling. बहुत अच्छी सहेली है मेरी. बेटी इसकी Wellesley College से graduate करके आई है. You must have heard of it, ना? तो बड़ा दिल चाह रहा था कि दानियाल और इसका. खैर, आई गेस ये खुशी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी. क्या पता आंटी ये खुशकिस्मती दानियाल की हो.